तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही कमाल की चीज वाली बताने वाला। जैसा कि आपको पता होगा, दिवाली से पहले या बोल सकते हैं सितंबर या अक्टूबर में आपको फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज की सेल मिलती है और अमेजोन की फेस्टिवल सेल्स मिलती है, जिसमें भारी डिस्काउंट्स मिलता है। मतलब भारी भारी डिस्काउंट्स मिलता है। सबसे ज्यादा ऑफर इलेक्ट्रॉनिक चीज पे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज पे होती है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में बोला जाए तो मोबाइल में ही ऑफर सबसे ज्यादा मिलते हैं। जैसा कि आपको बता हुआ, आईफोन्स में सबसे ज़्यादा ऑफर्स मिलते हैं। तो इस बार जो ऑफर होने वाले हैं, या बोल सकते हैं इस बार जो बिग मिलियन की सेल होने वाली है, उसमें सबसे ज़्यादा आईफोन्स में भारी डिस्काउंट्स मिलने वाला है। जैसा कि ऑफिशियली न्यूज़ नहीं है, बट ये लीक्स आई हैं, बोल सकते हैं कहीं से इन्फॉर्मेशन लीक्स जो होती है ना, उसमें से आया है। बट कन्फर्मेशन तो जब सेल चालू होती है उससे 10 या 5 दिन पहले ही रोल आउट होती है। सबसे पहली बात बता दूं, यहाँ पर जो ये सेल आने वाली है, जो अनुमान या बोल सकते हैं जो कि चांसेस है कि 23 सितंबर को ये सेल चालू होगी और ये 1 अक्टूबर लास्ट तक ये सेल चलेगी। हो सकता है 23 पे अगर नहीं चालू हो तो ये 2 अक्टूबर से चालू होगी, 10 अक्टूबर तक ये सेल चलेगी। इस तरीके से ये सेल यहाँ पर आने वाली है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात बता दूं, ये जो प्राइसेस होंगे उसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। एक चीज़ बताऊँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो ऑफर्स होंगे इसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, या बोल सकते हैं आईफोन अगर आपको लेना है या कोई सा भी मोबाइल अगर आपको लेना है बिग बिलियन डेल्स में सेल्स में आपको लेना है, तो आपको सबसे पहले प्रीमियम या लेना होगा, या बोलते हैं प्राइम मेंबरशिप लेनी होगी, तो ही या फिर बोल सकते हैं फ्लिपकार्ट की प्लस मेंबरशिप लेनी होगी, तो ही आपको ये जल्दी से मिल सकता है और बहुत जल्दी आप इसमें ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं तो अगर नेक्स्ट डे का आप इंतजार करेंगे, हो सकता है कि आप प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। हो सकता है क्या, 90% या 100% यही होता है। यहाँ पर आपको बात करें सबसे पहले आईफोन 11 की, जिसके अंदर भारी डिस्काउंट मिलने वाला है। इसका प्राइस इन एवरेज 23-22 से लेके 25,000 के बीच में होने वाला इस ऑफर में। ये जो प्राइस बता रहा हूँ, ये सारे बैंक ऑफर लगाने के बाद बता रहा हूँ, इस प्राइस में ये ऑफर वहाँ पर आपको मिलेगा 25,000 तक के। ऐसे ही अगर आप आईफोन 12 में जाएंगे, वो आपको मिलेगा 30,000 से 35,000 तक के में। ये जो ऑफर है आईफोन 12 का आपको 30 से लेके 35 के बीच में ऑफर प्राइस मिलने वाला है, जिसके अंदर सारे ऑफर्स लगे होंगे बैंकिंग के ऑफर्स लगने के बाद। ऐसे ही अगर आप आईफोन 13 पे जाएंगे तो वो आपको 40 से 45 के बीच में मिलने वाला है। सेम ऐसे ही अगर आप आईफोन 14 पे जाएंगे तो वो आपको 50 से 55 की रेंज में मिलेगा। ये जो ऑफर, ये प्राइस बताइए, सब में बैंकिंग ऑफर लगे हुए हैं, और हो सकता है प्राइस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए एज़ पर फ्लिपकार्ट, क्योंकि बिकॉज ये जो प्राइस है ये ऑफिशियली नहीं आए हैं। ये पहले क्लियर कर दूँ, ये खाली एक अनुमानित अमाउंट है। और यहाँ पर बात करें S23 की, जो कि सैमसंग का बहुत शानदार हैंडसेट है, जिसकी प्राइस आपको लगभग 50 से 55 के बीच में ही मिलने वाली है। तो ये जो प्राइस है सब एक अनुमानित आई है, या बोल सकते हैं एक एस्टिमेट प्राइस आई है। और एक चीज़ बताऊं दोस्तों, अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले आपको प्राइम या मेंबरशिप प्लस मेंबरशिप लेनी होगी। उसके बाद आपको पहले से ही अपना मोबाइल को पहले ही चूज़ कर लेना, सेल शुरू होने से पहले आपको चूज़ कर लेना है कौन सा मोबाइल लेना है, तो आप डायरेक्ट उसी मोबाइल पर आएँ। हो सके तो कलर थोड़ा सा डिफरेंट चूज़ करें, क्योंकि जो प्राइम कलर्स होते हैं, जो नॉर्मल कलर जैसे ब्लैक वाइट, ये ज़्यादातर चलते हैं, तो ये इनके प्रोडक्ट जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो आप उनको थोड़ा अवॉइड करें। और पेमेंट अपने कार्ड्स जो भी हैं सब फटाफट तैयार करें, ताकि आप फट से पेमेंट कर सकें। कार्ड अपने प्रोफाइल में ऐड करके रखें, ताकि पेमेंट करने में कोई दिक्कत ना हो और इंस्टेंट पेमेंट हो जाए और आपका ऑर्डर प्लेस्ड हो जाए। ऐसे ही नए अपडेट्स, जैसे ही इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी इस बिग मिलियन डेल से रिलेटेड, वो भी मैं वीडियो बना के बताऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि फट से ये आने वाली है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन भी दबा देना, और हो सके इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना, ताकि आपको ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले मिले। तो थैंक यू सो मच।